फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जो पड़ोसी होते हैं वो हमारे सबसे पहले रिश्तेदार हैं। तो आइए देखते हैं, जो पड़ोसी है हमारे, जो हमारे सबसे पहले रिश्तेदार है, जो हर सुख दुख में हमारे काम आते हैं, जो हमारे सबसे नजदीक हर वक्त रहते हैं, इनकी नजरों में आप कैसे व्यक्ति हैं, ये आपके बारे में, आपकी फैमिली के बारे में क्या गॉसिप करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर गॉसिप की बात है तो इसमें ज्यादा बातें पॉजिटिव नहीं होती आमतौर पे। इसलिए अगर मेरे शब्दों से आपको कोई दुख हो तो मुझे क्षमा करें, क्योंकि ये मेरे शब्द नहीं है, ये आपके पड़ोसी के शब्द होंगे कि ये आपके बारे में आजकल क्या गॉसिप कर रहे हैं। व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, एस्पेशली योर नेबर्स। नेबर्स की बात है और किसी की नहीं। जो लोग आपके आसपास, आपकी सोसाइटी में, आपके लोकैलिटी में, आपकी बिल्डिंग में रहते हैं, आपके जान पहचान वाले लोग हैं, ये आपके बारे में क्या गॉसिप करते हैं, क्या चर्चा करते हैं, क्या बातें करते हैं। ये तो नहीं मैं कहूंगी सब बुरा ही होता है, लेकिन गॉसिप आमतौर पे थोड़ा ऐसा होता है जो हमको सुनना पसंद नहीं होता, लेकिन पता चले तो कम से कम हमें आइडिया आ जाता है कि ये लोग आपके बारे में क्या कुछ कह रहे हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हमें इसे बहुत सीरियसली तो नहीं लेना है, लेकिन हाँ एक आइडिया आता है कि आपके बारे में क्या कुछ कहते हैं। फ्रेंड्स, ये आपकी, ये लोग मानहानि बहुत करते हैं। आपके जो नेबर्स हैं, आपके जो पड़ोसी हैं, आपके बारे में ऐसी बातें करते हैं जिससे आप लोगों की मानहानि होती है, आपका कैरेक्टर असैसिनेशन होता है। आपकी फैमिली के लोगों के लिए, आपके लोगों के लिए, या आपके मुंह पर चाहे जितने मियां मिट्ठू बनते हो, पर पीछे से ये आप लोगों की मानहानि करते हैं, स्पेशली आपकी। मैं हर एक नेगेटिव जो उनका आपके लिए अभिप्राय है उसका आपको एक पॉजिटिव फीडबैक देने की कोशिश करूंगी कि ऐसा इनके दिल में क्यों आता है, या आपकी क्यों मानहानि करते हैं, आपको बहुत ज्यादा मुंह फट समझते हैं, या आपको बहुत ज्यादा मुंह मारी करने वाला समझते हैं या करने वाली समझते हैं। ये सोचते हैं कि आपका अपने ऊपर कोई लगाम नहीं, आप बेलगाम हैं, ऐसा ये लोग सोचते हैं। इसकी वजह ये नहीं होती कि आप सच में ऐसे होते हैं, इसकी वजह ये होती है कि यू आर वेरी फ्रेंडली बाय नेचर। आपका जो अंदाज है वो दोस्ताना है, आप फ्रेंडली हैं, तो आप हर किसी से जब मिलते हैं प्यार से बात करते हैं। आप ये नहीं सोचते कि जब मैं ऐसे बात करूंगा या करूंगी तो इसका मतलब सामने वाला क्या निकालेगा। तो ये लोग आपकी फ्रेंकनेस का, आपकी बेबाकी का, आपकी ऑनेस्टी का शायद गलत अर्थ निकालते हैं और आपको बहुत ज्यादा मुंह मारी करने वाला या बहुत ज्यादा बेतकल्लुफी करने वाला इस तरह का पर्सन समझते हैं और ये आपके बारे में ऐसी बातें करते हैं। और मैं ये नहीं कहूंगी कि हर नेबर ऐसा होता है, लेकिन हाँ जिस पर आपको शक है ना कि आपके, आपको देखते ही चुप हो जाते हैं, आपके सामने जब बात कर रहे होते हैं आपके वहां आते ही चुप हो जाते हैं, तो आमतौर पर ये आपके बारे में ऐसी बातें कर रहे होते हैं। मैं कई केसेस में ये भी कार्ड के जरिए देख पा रही हूं कि आपको ये थर्ड पार्टी समझते हैं, किसी दो लोगों के बीच में आने वाला समझते हैं आपके नेबर्स। हो सकता है आप किसी कपल के या किसी दो प्यार करने वालों के बहुत ही खास फ्रेंड होंगे, म्यूचुअल फ्रेंड होंगे, दोनों के साथ आपका उठना बैठना, हंसना बोलना होता होगा, जिसकी वजह से गलत दिमाग के लोगों ने आपके बारे में ये अंदाजा लगाया है कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में खुद हैं, मतलब यू आर द थर्ड पार्टी। कई आपके बारे में ये गॉसिप भी कर रहे हैं आपके आसपास के लोग। तो मैं जैसे आपको बता चुकी हूं, इसकी वजह ये नहीं है कि आप थर्ड पार्टी ही हैं, इसकी वजह ये है आप दोनों ही के बहुत नजदीक हैं, दोनों के बहुत क्लोज हैं, और इसलिए आपका हंसना बोलना दोनों के साथ होता है। तो जो संकुचित दिमाग वाले आपके आसपास के लोग हैं, शायद उन्होंने इसका अर्थ नेगेटिव निकाला है। तो आपके पीछे तो काफी बातें होती हैं, आपको कई बार डिफेंसिव भी होना पड़ता होगा, लेकिन मेरा टेक है आपको किसी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। जिसको आपके लिए जो मानना है माने, आपको कोई सफाइयां देने की जरूरत नहीं है।
ये आपको ऐसा क्यों मानते हैं, ऐसा आपके बारे में क्यों बोलते हैं, तो आप ये मत सोचिए सिर्फ आपके बारे में ऐसा बोलते हैं। ये जिनके साथ उठते बैठते हैं, जिनके साथ मिलते जुलते हैं, उनके बारे में भी ऐसी ही बातें करते हैं। तो यू आर वन ऑफ देम, यू आर नॉट द ओनली पर्सन दे आर टॉकिंग अबाउट, यू आर वन ऑफ देम दैट दे आर टॉकिंग अबाउट। इसके अलावा ये आपके बारे में आजकल ऐसे भी बातें कुछ चल रही हैं कि आप अपने आप को बहुत ज्यादा अपनी स्किल्स की वजह से या अपनी फैमिली जो आपकी है या अपने पैसे की वजह से जो कुछ भी आपके पास है या आपकी जो भी जॉब है, आपका जो भी बिजनेस है, आप उसकी वजह से अपने आप को बहुत तीस मार खा समझते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। अपनी ब्यूटी के चलते, अपनी पर्सनालिटी के चलते, आप अपनी कुछ खूबियों के चलते खुद को बहुत ज्यादा हाई फाई समझते हैं, बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड है आपके अंदर, ऐसा भी इन लोगों का मानना और कहना है। आपस में आपके जो पड़ोसी हैं, जिसको हम कहते हैं हमारे पहले रिश्तेदार होते हैं, मैं हमेशा ये कहती हूँ सारे ऐसे नहीं होते, मैं सिर्फ उनकी बात कर रही हूँ जो हर किसी के लिए ऐसी बातें करते हैं। तो अगर आपके दिल में कहीं ना कहीं ये बात है ना कि ये पर्सन मेरे बारे में क्या बोलता होगा, क्या बोलती होगी, मुझे देखकर पता नहीं क्यों चुप हो जाते हैं, तो ये आपके बारे में ये बातें करते हैं, आपको बहुत ही नार्सिसिस्ट समझते हैं। शायद आप उन लोगों से बात ही नहीं करते जो आपको पसंद नहीं होते, और जिनको आप पसंद करते हैं उनसे आप बहुत ही बेतकल्लुफी से, बहुत ही बेबाकी से, बहुत ही दोस्ती से बात करते हैं। तो ऐसे में ये लोग जेलस हो जाते हैं जिनको आप इग्नोर करते हैं, क्योंकि आप उन्हें पसंद नहीं करते। तो ये क्या करते हैं, फिर आपके बारे में ऐसी बातें या अफवाहें उड़ाने की कोशिश करते हैं, आपके बारे में इस तरह की गॉसिप्स करते हैं। मुझे लगता है आजकल मेरे काफी व्यूअर्स के, शायद मुझे ऐसा लगता है, जनरल रीडिंग है, हो सकता है सबके साथ ये चीज रेजोनेट ना करे, आपका शायद कोई रिनोवेशन चल रहा है या घर की मरम्मत चल रही है जिसकी वजह से आप घर को और भी ब्यूटीफाई कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, मतलब आप लोग किसी तरह की ब्यूटिफिकेशन पे इस वक्त ध्यान दे रहे हैं अपने घर में, या शायद किसी का रिश्ता तय हुआ है आपकी फैमिली में तो उसकी वजह से दौड़ भाग हो रही है, शॉपिंग्स हो रही है, ये सब चल रहा है, तो उसकी वजह से भी काफी लोग आपके बारे में बातें बना रहे हैं कि पता नहीं इतने पैसे इनके पास कहाँ से आते हैं, ये क्या करते हैं, किसी को कुछ बताते नहीं है, इतनी सारी शॉपिंग कर रहे हैं, इस तरह की भी अफवाहें आपके बारे में इस तरह से वो लोग फैला रहे हैं जिनके आप मुंह लगना पसंद नहीं करते, जिनसे आप प्यार करते हैं। देखिए ये इंसान की पीठ है ना, तो आप जिनके मुंह नहीं लगना चाहते, जिनको आप अपनी पीठ दिखाते हैं, वो आपके बारे में इस तरह की अफवाहें उड़ाते हैं। कई लोग बोलते हैं कि आप बहुत ही ज्यादा मिस्ट्री रखते हैं, बहुत ही ज्यादा सस्पेंस क्रिएट करते हैं, खुल के हर बात नहीं बताते हैं। आप खुल के हर बात उसे नहीं बताते जिसे आप पसंद नहीं करते, जिन्हें आप पसंद करते हैं उनसे आप हर बात शेयर करते हैं, लेकिन जिनसे आप शेयर नहीं करते वो आपके बारे में इस तरह की बातें या अफवाहें उड़ाते रहते हैं। मुझे लगता है मेरे काफी कोई व्यूअर्स के यहाँ या तो ब्रेकअप हुआ है, जैसे एक तरफ ये है कि सेलिब्रेशन हो रही है, कोई तरह की रिनोवेशन घर में हो रही है, पैसे खर्च हो रहे हैं, वहीं कुछ व्यूअर्स के यहाँ मुझे लगता है किसी तरह का कोई ऐसा अभी घर में किसी वजह से ऐसी सिचुएशन है कि थोड़ी टेंशन है आप लोगों के घर में, उस टेंशन को लेकर भी जो कुछ लोगों को समझ आ रहा है वो उसके बारे में बातें बना रहे हैं, रूमर्स फैला रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं कि पता नहीं क्या इन्होंने ऐसा किया था कि इनके साथ ऐसा हुआ। पता है जैसे हम नॉर्मल एक बात बोलते हैं कि इन्होंने पता नहीं ऐसा क्या किया, जजमेंट और टावर कार्ड साथ में है और उसके साथ ये भी है फोर ऑफ कप्स, तो आप इस वक्त शायद आपके घर में कोई या आप खुद इमोशनली बहुत ही एक सेटबैक में है, कुछ प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, उसको लेकर भी काफी लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि पता नहीं ये लोग ऐसा क्या इन्होंने किया तो आज ये सिचुएशन इनको देखनी पड़ रही है वगैरह वगैरह। तो इस तरह की अफवाहें लोग आपके बारे में इस वक्त फैला रहे हैं, तो आपको इसमें दिल को वो करने की जरूरत नहीं है कि आप अपने दिल को छोटा करें, इनका काम ही होता है, लोग तो कहते ही रहते हैं, हमको इस बात से घबराना नहीं होता। ये तो बस एक आइडिया लेने के लिए हम करते हैं कि आपके नेवर्स, वो भी सभी नहीं जो आपके गुड बुक्स में नहीं है या जो जिनकी गुड बुक्स में आप नहीं है, वो आमतौर पर ऐसी बातें कर रहे हैं। हो सकता है जो आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आपको प्यार करते हैं, वो नेबर्स इनको इस तरह से कहते भी होंगे, जैसे कि मैंने आपको समझाया, आपकी फ्रैंकनेस को, दोस्ती दोस्ताना अंदाज को लोग पता नहीं क्या क्या समझते हैं, तो जो सही लोग हैं, अच्छे लोग हैं आपके पड़ोसी, वो इस बात को काउंटर अटैक करते हैं कि आप फ्रेंडली हैं, आप बुरे नहीं हैं, आपकी मानहानि करने की जरूरत नहीं है, आपके घर में जो रिनोवेशन चल रहा है या खुशियों का माहौल है उससे लोग जल के
कई कई बातें बताते बनाते रहते हैं, तो उससे भी आपको तकलीफ में आने की जरूरत नहीं है। आपके घर में अगर किसी का ब्रेकअप हुआ है, कोई दुख हुआ है उनको, तो उसके लिए लोग बोलते हैं, लेकिन जो अच्छे लोग हैं वो जानते हैं कि आप इसमें से भी बाहर आ जाएंगे। तो आपको इन बातों से डरने की जरूरत नहीं है कि लोग आपके बारे में पॉजिटिव बोल रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं, वो तो बोलने ही वाले हैं। हर किसी के लिए हर कोई बोलता है। नार्सिसिस्ट आपको समझते हैं, पावर हंग्री समझते हैं, आप अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं अपनी अचीवमेंट्स को लेकर, इस तरह की बातें करते हैं, इसमें भी आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, ये तो लोगों का काम ही होता है। आइए फ्रेंड्स, इन कार्ड्स के जरिए भी कुछ आइडिया लेते हैं। यू विल रीच कल्ट स्टेटस इन योर लाइफ। आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल यूनिवर्स का मैसेज है कि आप ऐसे पोजीशन पे पहुंचेंगे लाइफ में जहां से आपको कोई कॉम्पीट कर ही नहीं पाएगा। अब ये जरूरी नहीं है कि आप प्रोफेशनल लाइफ में ही या पर्सनल लाइफ में, कहीं भी हो सकता है। आप पर्सनल लाइफ में ऐसा स्टेटस फैमिली में मुकाम पाएंगे कि कोई आपको चैलेंज नहीं कर पाएगा। आप अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में, अपने करियर में, अपनी स्टडीज में ऐसा मुकाम पाएंगे कि जहां आपको कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा। 46 मार्च EHN आपकी या आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स हो सकते हैं। बीवेयर ऑफ नेगेटिव पीपल अराउंड यू। अभी हमने रीडिंग ही इसी टॉपिक पे की है कि आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या रूमर्स, क्या अफवाहें फैला रहे हैं, क्या गॉसिप कर रहे हैं, इनसे संभल कर रहे हैं। इनसे डरना नहीं है, इनसे संभलना है बस। इनसे कुछ ज्यादा आपको शेयर नहीं करना और ना कोई सफाइयां पेश करनी है, कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है। 4/71/62 आपकी लाइफ में या इन लोगों की लाइफ में इंपॉर्टेंट टर्म्स होने के चांसेस है। God loves you a lot. ऊपर वाला आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत मोहब्बत करता है। अगर आपके दिल में कोई गम है, कोई दुख है या कोई खुशी है, हर चीज उससे शेयर कीजिए, जो कि आप करते ही होंगे, तो वो आपको सुनने को तैयार है, आपसे बहुत प्यार करता है। 38/11/4 आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स हो सकते हैं। अगले 10 दिनों में कोई जबरदस्त न्यूज आएगी, आपको मिलेगी। अगले 10 दिनों में आपको कोई ऐसी खबर मिलेगी कि आपका दिल बाग-बाग हो जाएगा, खुश हो जाएगा। लव योर सेल्फ, यू आर स्पेशल आपके लिए मैसेज आया है। कई बार लोगों की अफवाहों से हमारे पे असर हो जाता है, लोगों की गॉसिप से हमारे पे असर हो जाता है। ऐसा असर खुद पर करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हैं बहुत सही हैं, बहुत अच्छे हैं, और अपने आप को वैसे ही प्यार कीजिए। जब आप अपनी स्किन में कंफर्टेबल होते हैं, कोई आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। यू आर स्पेशल। 3/9/Monday आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स होने के चांसेस है। मनी विल सून कम योर वे। अगर आपकी लाइफ में किसी भी तरह की इस वक्त तंगी चल रही है पैसे की, तो निराश होने की, उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारा पैसा आपकी लाइफ में जल्दी आने वाला है किसी भी जरिए से। ARI 55 September आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स होने के पूरे पूरे चांसेस है। योर एंसेस्टर्स आर अराउंड यू ब्लेसिंग यू। आपके जो पूर्वज है, आपकी जो डिवाइन सोल्स है, जो आपकी रक्षा करते हैं, वो आपको हर वक्त ब्लेसिंग्स देती रहती है। आपको हर नेगेटिविटी से बचाने की कोशिश करती है, बचाती भी है। जून अक्टूबर 44 आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स हो सकते हैं, या आपके किसी एंसेस्टर के या पूर्वज के। लोग तुम पर काली नजर डालते हैं, डालते तो हैं, लेकिन तुम पर प्रभु की अपार कृपा है। लोग अपनी काली नजर, जैसे ये लोग गॉसिप करते हैं किसी भी तरह से आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने के लिए, आपके खिलाफ एक सिंडिकेट क्रिएट करने के लिए करते हैं, आपके खिलाफ एक ग्रुप को क्रिएट करने के लिए ये सब करते हैं, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इनकी सिर्फ आपके प्रति जेलसी है, जिसकी वजह से ये ऐसा करते हैं। तो कहते हैं ना, बदनामी में भी नाम है। तो लोग अगर आपके बारे में गॉसिप करते हैं, आपको बदनाम कर रहे हैं, उसमें आपको डरने की जरूरत नहीं, नाम तो आपका फिर भी हो ही रहा है। 17/35/46 Monday इंपॉर्टेंट टर्म्स हो सकती हैं आपकी लाइफ की, या इनमें से ऐसे पर्सन की लाइफ की जो आप पर काली नजर डालते हैं।
वेरी फ्यू कैन बी एज क्यूट एज यू आर. किसी का आपके लिए मैसेज है, जितने आप प्यारे हैं, क्योंकि जो आपके दोस्ताना अंदाज को समझते हैं, आपकी बेबाकी को, आपकी फ्रेंकनेस को प्यार करते समझते, उनको पता है आपके जैसा क्यूट कोई हो ही नहीं सकता. 11:51 फरवरी आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म हो सकते हैं, या उस पर्सन की जो आपको ये मैसेज दे रहे हैं. आपकी लक बहुत स्ट्रांग हो रहा है, आपका लक बहुत स्ट्रांग हो रहा है, आपकी जो किस्मत है वो बहुत ही स्ट्रांग हो रही है. क्यों? क्योंकि जब इतने लोग आपके बारे में बातें करते हैं, वो चाहे पॉजिटिव है नेगेटिव है, कहीं ना कहीं आपके नाम का डंका तो बज ही रहा है. लोग आपको जान रहे हैं, आपके बारे में अपना वक्त खर्च कर रहे हैं, आपके बारे में गॉसिप करने के लिए, आपके बारे में अच्छा या बुरा बोलने के लिए. इससे वो अपनी लक आपको दे रहे हैं, वो आपकी लक को नहीं ले रहे, वो अपनी लक आपको दे रहे हैं आपके बारे में बातें करके, जिसकी वजह से आपका लक इस वक्त स्ट्रांग हो रहा है. May 5, 1 January इंपॉर्टेंट टर्म्स हो सकते हैं आपकी लाइफ के. आपकी इमेज को खराब करने की कोशिश फेल हो रही है. मैंने तो आपको ऑलरेडी कहा रीडिंग में कि जो नेगेटिव लोग हैं वो आपकी इमेज को चाहे जितनी खराब करने की कोशिश करें, जो आपको चाहते हैं, पड़ोसी में ऐसे लोग भी हैं जो आपको प्यार करते हैं और वो इनकी बात को काटते हैं, इनको समझाते हैं कि वो जिस चीज को नेगेटिव समझ रहे हैं वो एक्चुअली आपके प्लस पॉइंट है, तो वो उनकी जो आपकी इमेज को खराब करने की कोशिश है, इस तरह से वो फेल हो रही है. बहुत ही अच्छा मैसेज आया आपके लिए ये वाला. प्रे रेगुलरली आपके लिए खास मैसेज है. हमेशा हर वक्त कहा जाता है ना, अगर हम अपनी खुशियों के लिए ऊपर वाले को थैंक यू नहीं बोलते तो अपने गम के लिए शिकायत करने की हमें कोई हमारा हक नहीं बनता. तो प्रे कीजिए, खुशी में भी गम में भी ऊपर वाले को हमेशा याद कीजिए. गॉड का पहले भी मैसेज आपके लिए आ चुका है कि वो आपसे बहुत प्यार करता है. कई बार हम नाराजगी में बात नहीं करते ऊपर वाले से, थोड़े दिन के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, कोई बात नहीं, थोड़े दिन की बात है तो ठीक है, वरना हमेशा के लिए मुंह मोड़ना कभी ऐसा मत करना. ऊपर वाला आपसे बहुत प्यार करता है. 10:17 कैंसर टॉरस आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स होने के चांसेस है. आइए एक दो कार्ड्स और निकाल लेते हैं. डिवाइन स्पिरिट्स आर प्रोटेक्टिंग यू ऑल द टाइम. जो एंजल्स है, डिवाइन स्पिरिट्स है, वो आपको हर वक्त आपकी रक्षा कर रहे हैं. गलत लोगों से, गलत बातों से वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं. कोई कितना भी आपके बारे में नेगेटिव बोले, बुरा बोले, वो ऐसी सिचुएशंस बना देते हैं डिवाइन स्पिरिट्स कि आपके लिए सब कुछ सही सही ही होता है. इसलिए कहते हैं उसकी प्लानिंग पर ट्रस्ट करें हमेशा. यू विल मीट योर ओल्ड फ्रेंड और एन एक्स. बहुत जल्द आप अपने किसी पुराने दोस्त या अपने किसी एक्स को मिलने वाले हैं. PVW सेजिटेरियस में आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स हो सकते हैं, या उस पर्सन की जो आपका पुराना दोस्त है या कोई एक्स है. यू हैव अ ग्रेट वॉइस एंड अ ब्यूटिफुल नेक. किसी ने आपके लिए मैसेज दिया है कि उनको आपकी आवाज और आपकी गर्दन बहुत प्यारी लगती है. 7:9:28 इंपॉर्टेंट टर्म्स है यहाँ आपकी लाइफ में, या उस पर्सन की लाइफ में जिसको शायद आप पर किसी तरह का क्रश है, जिसे आपकी आवाज और गर्दन बहुत पसंद है. क्यूट मैसेज था आपके लिए. ये लास्ट कार्ड आज का देख लेते हैं. यू कुक सो वेल. किसी ने आपके लिए एक मैसेज दिया है कि आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं. 7:12:14 आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म हो सकते हैं, या उस पर्सन की जिसका ये मैसेज है कि आपका खाना पकाना उन्हें बहुत टेस्टी लगता है. एक मैसेज और. ब्लॉकिंग योर सोलर प्लेक्सस चक्र. कोई चाहता है कि आप इनसिक्योर रहे. हो सकता है आपके पड़ोसी हो जो ऐसा चाहते हैं कि आप अपनी जो बेबाकी है, खुशनुमा आपका जो अंदाज है, आपसे वो आपका वो ना रहे. इसके लिए आपके सोलर प्लेक्सस चक्र को इनसिक्योर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको इससे डरना नहीं है. ऑलरेडी आपके ऊपर बहुत ही ब्लेसिंग्स है अपने एंसेस्टर्स की. ETZ वर्गो लिब्रा इंपॉर्टेंट टर्म्स है आपकी लाइफ में, या उस पर्सन की लाइफ में जो आपके सोलर प्लेक्सस चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं. पर आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है एज पर ऑल द मैसेजेस. तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हुई कंप्लीट. आज का एफर्मेशन रहेगा,
सेंड ऑल द नेगेटिविटी टू द सेंडर, सेंड बैक ऑल द नेगेटिविटी टू द सेंडर। जो आपकी तरफ ये नेगेटिविटी भेज रहे हैं, ये सारी 10 गुना होकर उनकी तरफ चली जानी चाहिए। ये रहेगा आपका एफर्मेशन। कुछ नहीं समझ आता तो आप यस लिखिए या आई क्लेम दिस रीडिंग लिखिए, और आप देखेंगे कैसे ये लोगों की बोलती धीरे धीरे बंद हो ही जाएगी। तो इन बातों से डरने की या घबराने की या शर्म महसूस करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ आपके बारे में ऐसा नहीं करते, ये हर किसी के बारे में ऐसा ही करते हैं। जो लोग अपनी लाइफ में कुछ अलग हटके होते हैं, जिनमें कोई खास बात होती है, आम लोग जब खास लोगों को नहीं समझ पाते तो उनके बारे में बातें बनाते हैं। तो वेल एंड गुड बनाए, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा तो नाम ही हो रहा है, आपकी तो चर्चा ही हो रही है, इससे आपको शर्मसार होने की कोई जरूरत नहीं है। लव यू ऑल, सी यू सून, योर फ्रेंड मधुरा। बाय बाय।